टीवी पर सलमान खान करेंगे बिग बॉस सूट में और बूट में होस्ट, और मैं करूंगा सलमान खान के जैसा बिग बॉस ओटीटी वूट पर। जी हाँ, ये है कहना करण जौहर का। करण जौहर का ऑफिशियल प्रोमो बिग बॉस ओटीटी का आ चुका है। क्या कह रहे हैं वो इसके अंदर, किस तरह से टास्क किए जाएंगे, और टास्क अगर पूरे नहीं किए गए तो कौन पनिशमेंट देगा इनको, हम आपको अपने चैनल पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर करण कहते हैं कि मेरे पास है फ्यू आइडियाज, इस बार कंटेस्टेंट्स कुछ ऐसे कपड़े पहनेंगे और इनको ऐसे टास्क दिए जाएंगे। वीडियो दिखाया जाता है जिसको ब्लर कर दिया जाता है, यानी कि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि टास्क कैसे दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तो कंटेस्टेंट्स को पनिशमेंट देगी ऑडियंस। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार ऑडियंस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो ये बात सच निकली कि मेकर्स ने ऑडियंस के ऊपर डाला है कि आप कंटेस्टेंट्स को क्या पनिशमेंट देना चाहते हो, किस कंटेस्टेंट को निकालना चाहते हो, किसको रखना चाहते हो। तैयार हो जाइए ऑल द कंटेस्टेंट्स, आपका अब भविष्य है जनता के हाथ में। यस, करण जौहर और आम जनता ये तय करेगी कि किसको पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर करण जौहर बोलते हैं, लास्ट में करण ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट ओनली ऑन वूट, दिस इज रियली क्रेजी करण। लेकिन बिग बॉस ओटीटी पर अगर मजे लूटना है 24/7 तो 8 अगस्त से आ जाइएगा वूट के ऑफिशियल पेज पर और देखना शुरू कर दीजिएगा बिग बॉस ओटीटी। लगता है इस बार तो बहुत धमाके होने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस ओटीटी को देखने के लिए, और वो भी करण जौहर इसको होस्ट करने वाले हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।